हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेबी केयर विद अंजुम में। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, 58 साल की उम्र में एक माँ ने दिया बेटे को जन्म, ये कैसे हुआ पॉसिबल। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल बेबी केयर विद अंजुम को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। उनकी मौत के 2 साल बाद उनके घर में खुशियां लौट आई हैं। उनकी मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया है। ये जानकारी खुश सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बच्चे की तस्वीर शेयर करते हुए दी है। ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ। 58 साल की उम्र में चरण कौर IVF, यानी इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इस तकनीकी में महिला की अंडेदानी में अंडे डालकर उनका पुरुष के स्पर्म के साथ फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। यह तकनीकी उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है जो नेचुरल तौर पर बच्चा कंसीव नहीं कर सकती हैं या जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। 50 के पार किसी भी महिला के गर्भधारण करने की संभावना काफ़ी कम रहती है। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त उनमें पीरियड साइकिल बनना बंद हो जाता है। हालांकि IVF के ज़रिए 50 की उम्र पार कर चुकी महिला माँ बन रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन देकर उनकी गर्भाशय को एक्टिव किया जाता है। इस उम्र के बाद अगर महिला माँ बनना चाह रही हैं तो पूरी बॉडी चेकअप जरूर कराने के साथ साथ अपने डॉक्टर की देखरेख में पूरी प्रोसेस अपनाएं। आई होप आपके घर में भी एक नन्ना मेहमान जल्द ही आएगा। थैंक यू।